नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आप कहीं भी रहें खुशहाल रहें। दोस्तों, इस वीडियो में शत्रु के घर दिन रात कलह होता रहे, यह टोटका है। तो दोस्तों, किसी भी टोटका को करने के लिए मन को आत्मा को एक चित करें। करते समय जिस काम को कर रहे हैं उसी पर ध्यान होना चाहिए, अन्यथा नहीं होता है। यह टोटका सिद्धियां तांत्रिक ये सबके बस की नहीं है जी। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर हम कहीं कोई पूजा स्थान पर बैठते हैं या कोई काम को लेकर बैठते हैं तो आत्मा उस काम पर न हो करके इधर उधर भागता है। आप थोड़ा सोचिए, यह आत्मा बड़ी चंचल है जी, ये आत्मा चोर है जी। यह सिद्ध योग पर नहीं पहुंचाता है। बैठेंगे, एक कहानी कहा गया है कि बैठे पूजा पर ध्यान रहे जूता पर। तो यह जो है मन को बहकावा देता है जी। अगर मन एक चित हो जाए तो कोई भी सिद्धि आपके लिए या हमारे लिए किसी के लिए भी कठिन नहीं है। लेकिन आत्मा जो है चंचल है, चोर है, ये सब होने नहीं देता है। ये कलयुग जब शुरू में आया था तो यह कहा है कि 12-12 बरिस भी तपस्या करने से तब जो है तब पूरा होता था। लेकिन इस कलयुग में थोड़े ही दिन में अगर कोई सच्चे मन से करे तो वह जो है प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम करने नहीं देंगे, कलयुग बोला है। इसके लिए ये मन चंचल है, 17 प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है अगर आप कहीं बैठते हैं तो यही जो है सिद्धि का जो है कुल्हाड़ी बनता है, मन चोर मन चंचल। तो आइए, इस वीडियो में शत्रु यानी दुश्मन के घर दिन रात कलह विघ्न चलता रहे, यानी दुश्मन को परेशान करने का ये सबसे उत्तम आइडिया है। तो देखिए, इसमें आपको बिल्ली, जिसको इंग्लिश में कैट बोलते हैं, तो बिल्ली का थोड़ा सा बाल कहीं से लाइए, और चूहे का, वही चूहा जो घर में चूहा भी बोलते हैं, मूसा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में रैट भी बोलते हैं, इंग्लिश में रैट बोलते हैं, बिल्ली को कैट बोलते हैं। तो चूहे का थोड़ा सा बाल और थोड़ा सा बिल्ली का बाल, दोनों को एकत्रित कर लीजिए। अब सुनिए विवरण। बिल्ली और चूहे के बाल रविवार के दिन शत्रु के घर में छुपा दें, ले आकर कहीं ऐसे छुपा दें कि वो ढूंढने से न मिले, और उसी समय से शत्रु के घर में दिन रात कलह होता रहेगा। जब तक बिल्ली और चूहे का बाल छुपा रहेगा, बाल को घर से बाहर कर देने के बाद वह कलह घर का समाप्त हो जाता है। यह प्रयोग रविवार के दिन ही करना चाहिए। यानी आप किसी भी दिन को चूहे और बिल्ली का बाल लाकर रख लीजिए, लेकिन यह टोटका शत्रु के ऊपर करना होगा तो रविवार के दिन ही करें। सामान को इकट्ठा करके रख लें और प्रयोग आपको रविवार के दिन करना है। तो शत्रु को परेशान करने के लिए, उससे निजाजत पाने के लिए यह टोटका अति उत्तम है। आप करें और आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।